भारत ने लगा डाली पाक चीन बॉर्डर पर शक्तिशाली आर्मी टेक्नोलॉजी। क्या भारत चीन और पाकिस्तान पर कोई बड़ा मिशन करने वाला है? भारत ने सीमा पर चीन को फंसाने के लिए बिछाया मकड़ जाल, तो पाकिस्तान को फिर से तोड़ने के लिए रातों रात तैनात हो रहे हैं वर्ल्ड क्लास हथियार। दोस्तों, इस वक्त भारत अपने दोनों पड़ोसियों के षड्यंत्रों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में पुंछ में भारतीय जवानों पर हमला किया, तो चीनी सेना लगातार घुसपैठ की नाकाम कोशिशें कर रही है। इसलिए भारत ने अपने तमाम वो अमोघ लड़ाके टटोलने शुरू कर दिए हैं जो वास्तव में एक जंग का रुख मोड़ सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि भारत के पास दूसरे देशों के नहीं, स्वदेशी तकनीक से तैयार किए हुए ऐसे हथियार हैं जो चीन को आसानी से धूल चटाने में सक्षम हैं। आज के वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही सुरक्षा चक्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका मुकाबला चीन तो क्या, दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। भारत ने बना लिए हैं खास तकनीक वाले वो हथियार जिनकी काट खुद भारत के पास ही है, अब हुए बॉर्डर पर तैनात। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे T-90 भीष्म टैंक की। वैसे तो T-90 भीष्म टैंक रूस में बनाया गया है और ये थर्ड जनरेशन का टैंक है, मगर इंडियन बैटल फील्ड में इस टैंक को मेन बैटल टैंक की उपाधि से नवाजा गया है। ये सामान्य टैंक नहीं है, क्योंकि भले ही इसे रूस ने तैयार किया हो, लेकिन भारत ने इसे अपग्रेड करके इसे लगभग ब्रह्मास्त्र में तब्दील कर दिया है। ये लड़ाका 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और सटीक निशाना लगा सकता है। वहीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों में ये टैंक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। पाकिस्तान तो इस टैंक से खौफ खाता है। T-90 भीष्म टैंक की गिनती दुनिया के सबसे अत्याधुनिक टैंकों की श्रेणी में होती है। हालांकि भारत ने इस टैंक का इस्तेमाल युद्ध में नहीं किया है, लेकिन अब भारत इस टैंक को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इस टैंक में कैक्टस के 6 एक्सप्लोसिव रिएक्टर लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि इस टैंक का खुद का एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जिससे ये दुश्मन के रॉकेटों का सामना कर सकता है। माना जाता है कि इस टैंक का निशाना कभी चूकता नहीं। ये टैंक एक साथ 40 राउंड फायर कर सकता है और ये टैंक बुलेट प्रूफ टैंक है। ऐसे में और भारत के पास ऐसे 2500 से भी ज़्यादा टैंक हैं। भारत की तकनीक से लैस सबसे अचूक योद्धा नामिका नाग मिसाइल। अब आपको बताएंगे भारत के सबसे घातक और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियार की, जो अपने नाम के मुताबिक ही खतरनाक है, यानी कि नामिका नाग मिसाइल। ये मिसाइल इतनी ज्यादा घातक है कि इसे टारगेट पर लॉक करके एक बार दाग दिया गया तो दुश्मन का बचना पूरी तरह से असंभव है। इसलिए इस मिसाइल को फायर एंड फॉगेट मिसाइल भी कहा जाता है। इस मिसाइल की दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड है। मौसम कैसा भी हो, दिन हो या रात, अंधेरे में भी ये मिसाइल दुश्मन पर सटीक निशाना लगाती है। नाग मिसाइल हिट मोड के साथ साथ एक टॉप अटैक मोड के दौरान भी अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल के 5 वेरिएंट मौजूद हैं। नाग मिसाइल को बनाने का काम DRDO के द्वारा किया गया है। इस मिसाइल को ब्रह्मास्त्र मिसाइल भी कहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि इसे पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात किया जा रहा है। समुद्र का शहंशाह INS चक्र। दोस्तों, INS चक्र की बात करें तो चीन अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता और ये हमेशा घुसपैठ का रास्ता ढूंढता है। ये कभी तो बॉर्डर पर घुसपैठ करता है तो कभी समुद्र के रास्ते घुसपैठ कर देता है। और इसी मुसीबत को देखते हुए भारतीय नौसेना ने INS चक्र को शामिल किया है। INS चक्र भारतीय नौसेना में शामिल ऐसा घातक हथियार है जो पानी में भी न्यूक्लियर अटैक करने में सहायक है। INS चक्र की खास बात यह है कि ये 45 दिनों तक समंदर में रह सकती है और इस घातक हथियार से एक साथ कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं और ये पानी के बाहर और पानी के अंदर सफल लक्ष्य को भेदने में सहायक है।
INS चक्र भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट होने वाली पनडुब्बी है। ये 8,140 टन वाली एक आक्रमणकारी पनडुब्बी है। इसमें एक साथ 100 क्रू मेंबर्स सवार हो सकते हैं। INS चक्र पनडुब्बी को सोवियत रूस से सन 1988 में 3 साल के लिए लीज पर लिया गया था। उसके बाद परमाणु क्षमता से संपन्न INS चक्र पनडुब्बी को 4 अप्रैल 2012 को इंडियन नेवी में पूरे तरीके से शामिल कर लिया गया। आसमान का शिकारी सुखोई 30 MKI। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज भारतीय लड़ाकू विमान की, जिसका नाम है सुखोई 30 MKI, जो भारत की सबसे अचूक मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर उड़ता है। सुखोई 30 MKI की एयर स्ट्राइक, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हुई थी, उसके बाद देश को समझ आ गया कि क्यों एक बेहतरीन लड़ाकू विमान भारत की जरूरत है, जिसे बाद में भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई 30 MKI विमान को शामिल करके कंप्लीट भी किया। यदि राफेल और सुखोई 30 MKI ये दोनों लड़ाकू विमान किसी देश के पास हों तो उसे हराना मुश्किल होता है। वर्तमान में इस विमान को भारतीय वायुसेना में सबसे खतरनाक हथियार के रूप में जाना जाता है। यदि राफेल और सुखोई 30 MKI दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ ऑपरेट हो तो किसी भी दुश्मन के विमान को पल भर में साफ किया जा सकता है। अगर हम बात करें सुखोई 30 MKI की खूबियों के बारे में, तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उड़ान के दौरान रिफ्यूलिंग कर सकता है, और इसमें 2 इंजन लगे होने के कारण इसका एक इंजन बंद हो तो भी दूसरे इंजन से दुश्मन का खात्मा किया जा सकता है। और सुखोई 30 MKI विमान एक बार में 3,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसे बनाने में भारत के साथ साथ रूस भी शामिल है। सुखोई 30 MKI विमान में ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से यह विमान अपने दुश्मन को नष्ट करके वापस अपनी जगह पर आ जाता है। दिन हो या रात, किसी भी मौसम में लक्ष्य को भेदने में सहायक है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे घातक हथियार जिनकी वजह से भारत चीन बॉर्डर सेफ बना हुआ है, वरना चीन जैसा विस्तारवादी देश जब चाहता तब भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपनी सीमा में मिला सकता था। लेकिन भारत अगर इतने बड़े देश चीन के सामने खड़ा है तो वो इन अभेद्य हथियारों की वजह से खड़ा है। और दोस्तों, अब तो भारत जिस तरह से पाक और चीन के द्वारा कब्जाए इलाके वापस लेने की तैयारी कर रहा है, और वो भी इन हथियारों के साथ, उसे जानकर भी दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं। खैर दोस्तों, आप इस संबंध में क्या कुछ सोचते समझते हैं कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा।